press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हमारे पास आई है, हमारे पास आज क्या है आप लोगों का इवेंट है? वलीमे पे पार्टी मेकअप करवा रही हैं, लेकिन थोड़ा सा मॉडर्न स्टाइल में, ठीक है। इनका ड्रेस का कलर ऑरेंज है और आज हम इनको नया लुक देने वाले हैं, तो आप लोग देखिएगा आप लोगों को पसंद आता है इंशाल्लाह, होपफुली आएगा। स्किन आप लोगों ने देख ली है इनकी, ये देखें इस तरह से है, लाइटली सी पिगमेंटेशन है इनके ओवरऑल। तो इसको हाइड करने के लिए हम लोग कंसीलर देंगे सबसे पहले ओरिएंटल, और सबसे पहले स्किन को हमने अच्छी तरह से सेट कर लेना है, प्रिपेयर कर लेना है, ताकि जो है हमारी जो बेस है वो इसके ऊपर लॉन्ग लास्टिंग स्टे करे, जिसके लिए हम लोगों ने यूज़ किया है विटामिन सी सीरम, ऊपर देखिए। और उसके बाद हम कंसीलर देंगे। फेस वॉश होना चाहिए, नीट क्लीन होना चाहिए, कोई चीज़ लगी हुई ना हो, कोई क्रीम, कोई लोशन, कोई चीज़ नहीं लगी हुई होनी चाहिए। अच्छी तरह कंसीलर देके इसको ब्लेंड करेंगे। अच्छा, नेक पे भी इनके हैं, इसमें थोड़ा सा डार्क पैचेस हैं, तो उसको भी हम लोग स्किन के साथ मैच करेंगे, ताकि फेस और नेक एक जैसी लगे। जो मैंने इनको सीरम दिया है विटामिन सी का, उसमें कोजिक एसिड बहुत ज़्यादा पाया जाता है। उससे क्या होता है कि हमारी स्किन हाइड्रेट हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करती है। जो थोड़ी देर बाद बेस बनने के थोड़ी देर बाद पैचेस नज़र आना शुरू हो जाते हैं, स्किन ग्रे हो जाती है। अगर पिगमेंटेटेड स्किन है तो उसके अंदर अगर हम कंसीलर लाइट कर दें और बहुत ज़्यादा वाइट बेस बना देंगे तो थोड़ी देर बाद वो ग्रे हो जाता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए आप स्किन को अच्छी तरह से पहले हाइड्रेट कर लें, देन उसके बाद आप अपना कंसीलर दें और बेस दें। और क्वान्टिटी बहुत ही माइनर रखनी है, और प्लस आपका जो, अब देखें मैं हाथ से टैपिंग कर रही हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं हाथ से क्यों कर रही हूँ, तो ये रीज़न यही है, स्किन हाइड्रेट है और हमारी जो कंसीलर की जो क्वांटिटी है वो हमने इतनी दी है कि स्किन के अंदर पेनेट्रेट हो जाए अच्छे से। जब ये इसमें पेनेट्रेट हो जाएगी तो हमारे जितने भी पोर्स हैं वो सब पैक हो जाएंगे। उसके बाद जब हम अपना दूसरा सेकेंडरी बेस देंगे तो वो स्किन के अंदर नहीं अब्जॉर्ब होगा, और इस वजह से हमारा बेस जो है वो ग्रे नहीं होगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम स्किन को समझें और उसके हिसाब से फेस मेकअप करें। अगर हमारे पास व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन आ जाता है और उसको हम लोग कंसीलर के बगैर ही या फिर बहुत ही लाइट क्वांटिटी कंसीलर देके हम लोग बहुत फेयर टोन पे बेस बना देंगे, वक्ती तौर पे बहुत प्यारा लगेगा, लेकिन आधे घंटे बाद ही वो डल होना शुरू हो जाएगा। जब आपके स्किन पे ऑयल प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है तो आपकी जो बेस होती है वो पैची होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर कंसीलर हमने अच्छी तरह से स्किन में पेनेट्रेट कर लिया है, तो पड़ेगी इसी तरह नेक पे भी हम लोग कर लेंगे। नेक पे भी अच्छी तरह से हम लोग ब्लेंडिंग करेंगे ताकि एक जैसा लुक आए। अब मैं थोड़ी सी पैकिंग कर रही हूँ ताकि एक्स्ट्रा जो भी है वो स्पंज में आ जाएगा और जितना स्किन को नीड होगा वो स्किन में पेनिट्रेट हो जाएगा। ये बारात पे भी हमसे तैयार होके जा चुकी है और इनको बहुत अच्छा फीडबैक मिला है, तो इंशाल्लाह आज भी बहुत तारीफ होने वाली है। जी, मैंने बहुत से पार्लर में मेकअप वगैरह करवाया तो मैं सेटिस्फाइड नहीं हुई,
अच्छा। क्योंकि थोड़ी देर के बाद मेरा फेस जो है ग्रे होने लग जाता है। अच्छा, तो इस वजह से मैंने कल आपसे करवाया था तो मेरा फेस एजिटिव रहा। सही, 5-6 घंटे ही लग गए मुझे तकरीबन, लेकिन मेरा फेस एजिटिव रहा। वेरी गुड। बस यही बात होती है कि हमें ना स्किन को थोड़ा सा देखना होता है कि अगर हमारे स्किन पे थोड़ा सा भी पैचेस हैं या फिर पिगमेंटेशन है, जो कि आजकल हर दूसरी बंदी का यही मसला है, तो उसको हम कंसील नहीं करते। कंसील करने से ही हमारी बेस थोड़ी सी सेट होती है और ग्रे नहीं होती है। तो अगर इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रख लिया जाए तो फिर कोई इशू नहीं। अच्छा, इनको हम लोगों ने ये कंसीलर देने के बाद इनकी स्किन टोन पे जाएगा ये MM का आलमंड शेड है, ठीक है, जो कि व्हीटिश कलर के लिए बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है। तो ये शेड हम इनको देने लगे हैं और इसकी कवरेज भी बहुत आउट क्लास है, पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। अच्छे से बिल्कुल मर्ज हो जाता है, स्किन में ब्लेंड हो जाता है फौरन से, स्टिकी नहीं है, एक जगह पे जमता नहीं है। और मुझे कलर लगाए हुए तकरीबन हो गए हैं 50 मिनट्स और मेरा वॉश टाइम भी आने वाला है। चलो मैं इनकी बेस बना के फिर अपना हेड वॉश करती हूँ, क्योंकि काफ़ी देर से मैंने कलर लगाया है। रोज़ सोचती हूँ कि आज मुझे टाइम मिलेगा तो मैं अपना ये काम भी कर लूँगी, वो काम भी कर लूँगी, लेकिन ये है कि आजकल आपको पता है सीज़न का टाइम है तो नहीं मिल पाता है टाइम अपने लिए, लेकिन साथ साथ अपना भी हम काम करेंगे और क्लाइंट का भी करेंगे। और क्लाइंट भी हमारे माशाल्लाह इतने अच्छे होते हैं, फ्रेंडली होते हैं कि वो माइंड नहीं करते हैं। और हम लोग मिक्स चलाते रहते हैं चीज़ें। ऊपर देखिएगा, तो बेस हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। इसके बाद कुछ और लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इससे ज़्यादा फेयर करने की ज़रूरत है कि वो आपका बिल्कुल ही अलग से लगे। नेक का थोड़ा सा ब्लेंड करके साथ एक जैसा टोन कर लेंगे और उसके बाद पैक कर देंगे। नेल पेंट निकालो इनके लिए, वो वाली टीपिंग सी है ना थोड़ी सी, 2-3 शेड निकालो, मैं देखती हूँ कौन सा अच्छा लगेगा। उपड़ेंगे, तो हमारी बेस बिल्कुल रेडी हो गई। इसमें देखें, तो अब हम करेंगे बेस को पैक फेस पाउडर से। और फेस पाउडर मैं यूज कर रही हूँ इनके ऊपर बुटैनिक्स का वन नंबर यूज कर रही हूँ। नजर आ रहा है, ऊपर देखें। सबसे पहले आईज के नीचे हम लोग करेंगे पैक, क्योंकि आईज के नीचे होती है रिंकल्स, लाइंस होती है, तो उसको अच्छे से आप पाउडर से टैप टैप करके पैक कर लें, वरना ये बहुत ज़्यादा विजिबल हो जाती है। पाउडर की क्वांटिटी ज़्यादा रखेंगे थोड़ी सी, क्योंकि ये थोड़ी देर बाद डस्ट ऑफ हो जाता है, एक्स्ट्रा जो होता है जो स्किन को चाहिए होता है वो उसके साथ रहता है और हमारी बेस भी बहुत अच्छे से पैक हो जाती है। टी जोन एरिया मेन लाफ लाइन्स यहीं पे बनती है हमारी, यहाँ पे अच्छे से पैक करेंगे। चीक्स पे, नोज पे टैपिंग करनी है, रगड़ना नहीं है, टैप टैप करना है। फोर हैंड
थी उसे हमने अच्छे से पैक कर दिया और अब हम थोड़ा सा शाइनर और थोड़ा सा लूज पाउडर को मिक्स करेंगे और ब्लेंड कर देंगे। ये मैंने इतनी क्वांटिटी ली है, इसके अंदर मैं थोड़ा सा पाउडर डाला है, थोड़ा सा शाइनर मिलाया। पावर ब्रश की मदद से फिर इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। नेक से शुरू करेंगे और फेस तक आएंगे। आइज बन दीजिए, आइज में चला गया। अब हम करेंगे ब्लेंडिंग, राउंड 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 ब्लेंड करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो हमारा पाउडर लगा हुआ था, जो जितना भी एक्स्ट्रा होगा वो सब ब्लेंड होके निकल जाएगा और हमारी स्किन बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो जाएगी मेकअप के लिए और हमारी बेस बहुत अच्छी ग्लोई फेस रेडी होगी। मैं आपको करीब से भी अभी दिखाती हूँ कि इसमें कितना ग्लो आ गया। आईज ओपन कीजिएगा, बहुत ही एहतियात के साथ आंखों के नीचे हल्का सा ब्लेंड करेंगे लाइट सा, ब्रश अंदर ना लगे। आप चाहें तो छोटा ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, मुझे इसी से आदत है, मैं कर लेती हूँ। अभी मैं थोड़ी देर में करती हूँ। तो अभी हम करेंगे कंटूर। आप क्या कह रहे थे कि आपका फेस बड़ा आता है पिक्चर्स में, अभी भी आप आइडिया लगा रहे हैं फेस कितना बड़ा है। तो फिर आज आप देखते हैं अगर आपको बड़ा लग रहा है या नहीं। तो हम जब ऐसा फेस होता है जो पिक्चर्स में थोड़ा सा ब्रॉड आ रहा हो, तो हम उसको क्या करेंगे कि हम लोग कंटूरिंग जब करेंगे तो उसके साथ यहाँ पे आके हम जॉ लाइन के ऊपर यहाँ पे कंटूर करेंगे, नीचे नहीं करेंगे। नीचे करेंगे तो इनकी ये जो हड्डी चौड़ी है ये ज़्यादा दिखेगी, तो फिर फेस ज़्यादा ब्रॉड नज़र आता है। हम यहीं से टर्न करेंगे और जॉ लाइन के ऊपर ही शेड लगाते हुए जाएंगे, तो उससे थोड़ा सा टोन अप हो जाता है स्किन और बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं नज़र आता। इधर मैं कोई ये किया, यहीं से ऊपर से ही टर्न किया, टाँग के नीचे हो गए तो यहाँ से लॉन्ग हो जाएगा, यहाँ से दब जाएगा। और अब हम करेंगे नोज कंटूर यहाँ से बिल्कुल आईब्रो के सामने से, जहाँ से हमारा आईब्रो शुरू हो रहा होता है बिल्कुल उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने आना शेडिंग करते हुए, और यहाँ पे नीचे की तरफ थोड़ा सा, क्योंकि नोज अगर चौड़ा हो हमारा तो उसमें इतनी ज़्यादा शेडिंग की जाती है, अगर पहले से ही शेप हो फिर इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी हमने इनको थोड़ा सा शेप दे रहे हैं ताकि पिक्चर्स में बहुत ज़्यादा फूल नजर आए। यहाँ से थोड़ा सा आगे से भी टिप पे इसको नीचे की तरफ मर्ज कर देंगे शेप को। इससे हमारी नोज की शेप अच्छी आ जाएगी। कंट्रोलिंग हमारी होगी कंप्लीट। अब हम कर लेते हैं ब्लश ऑन। थोड़ा सा मुझे डार्क शेड देना ब्लश ऑन ऊपर वाला।
लैश हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लगाएंगे लैशेस और फिर करेंगे आईब्रोज। तो अभी हम कर लेते हैं आईब्रोज, उसके बाद हम करेंगे आई लैशेस। ब्रो ब्रश कहाँ गया? ये पकड़ना है लैशेस। ब्राउन शेड से हम लोग आईब्रो सेट कर रहे हैं और इनकी शेप ऑलरेडी माशाल्लाह बहुत अच्छी है और आईब्रो भी इनकी बहुत अच्छी बनी, तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा शार्प करने की ज़रूरत नहीं है, नेचुरली रखूँ जो इनकी शेप है ऑलरेडी। आईब्रोज हमारे अच्छे से सेट हो गई है और अब हम कर लेते हैं लैशेस का काम। अच्छा, लैशेस आप लोग पूछ रहे थे कि आप कौन सा इस्तेमाल करते हैं, तो मैं बता दूं कि मैं आर्टिमेटिक की 5 नंबर यूज़ करती हूँ पार्टी के लिए। ये आपको नज़र आ रही होगी शेप, बिल्कुल नेचुरल सी है, लाइट सी होती है लेकिन लगने के बाद बहुत अच्छा इफेक्ट देती है। और इसको ST लंदन की लैशेस ग्लू जो कि इस वक्त बहुत ही गंदी लग रही है, ये यूज़ करती हूँ। ठीक है, इसका जो स्टिक है ना वो बहुत अच्छा है, आइज बंद करें, बिल्कुल भी आपकी आई लैशेज उतरती नहीं है जब तक आप खुद नहीं उतारते। लेकिन तरीका मैं आपको ऑलरेडी जो पहले बता चुकी हूँ कि आपने इस पर एक दफ़ा ग्लू लगा के ट्राई करना है, देन उसके बाद दोबारा रिपीट करना है 15 से 20 सेकंड के बाद, उसको भी हाफ ड्राई करने के बाद फिर आपने लगानी है, तो आपकी लैशेज कहीं भी नहीं जाएंगी। अक्सर इनर कॉर्नर से उतर रही होती है, ज़रा सा पानी आ जाए आँख में तो उतर जाती है, और अगर आप लाइनर लगा रहे होते हैं तब भी अक्सर निकल जाती है, और आप बार बार ब्लिंक करते हैं ना तब भी आपकी लैशेस डिस्टर्ब होके इनर कॉर्नर से तो उतर जाती है। लेकिन जब आप ये ट्रिक यूज़ करेंगे तो फिर बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं होगा, बिल्कुल हेयर लाइन के साथ हमने रखनी है ये देखिए। अच्छा, आइज़ का साइज़ देख के आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, और हमेशा आउटर कॉर्नर से कट करना चाहिए, इनर कॉर्नर से नहीं। एक चीज़ और समझा दूँ यहाँ पे, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, एक मिनट। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से आती है, इसका पैक कभी मैंने फेंक दिया है। तो बताना क्या चाह रही हूँ कि आपने जब लैशेस निकाली तो आपने यहाँ से निकालनी है पकड़ के आराम से, ठीक है, ये आपने निकाली। आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हल्की सी प्लास्टिक की ये देखें नोक सी बनी हुई है, तो हम यूजली क्या होता है इसको भूल जाते हैं कट करना, इसको आपने ज़रूर कट करना है। जब आप इस पर ग्लू लगा के इनर कॉर्नर पे लगा देते हो तो ये बार बार चुभ रही होती है, ठीक है, और जब चुभ रही होती है तो इससे क्लाइंट इरीटेट होता है, आइज़ में पेन होता है, तो उस वजह से आँख से पानी आना शुरू हो जाता है और हमारी लैश उतर जाती है, ठीक है। तो आपने ये गलती नहीं करनी है, इसको आपने बहुत ही आराम से बहुत ही ध्यान से ये ऐसे करके कट कर देना ऐसे, दैट्स इट। ये देख पा रहे हैं आप, कट हो गई है अब नहीं है। तो इसी तरह से जब आप इसकी लेंथ छोटी करना चाहें आप आईज के मुताबिक, तो आपने इनर कॉर्नर से कट नहीं करना है, आउटर कॉर्नर से कट करना है। आपने इधर से एक बाल कट करना है, दो बाल कट करने हैं, साइज के हिसाब से आपको जो जितनी लेंथ इसकी चाहिए वो आप कट कर सकते हैं। हमेशा कटिंग आउटर कॉर्नर से करें और इनर कॉर्नर से जो इसका प्लास्टिक छोटा सा निकला हुआ होता है वो आपने कट करना है, बाल नहीं कट करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने ग्लू लगा के सेट करनी है, तो कभी भी आपको लैशेस का मसला नहीं होगा। ये थी छोटी सी टिप,
और इसके साथ ही हमारी लैशेस हो चुकी हैं सेट। ब्रश की मदद से थोड़ा सा आप यहाँ पे इनर कॉर्नर से और आउटर कॉर्नर से अच्छे से प्रेस कर देंगे, तो आपके थोड़ी सी भी जो भी मिस्टेक होगी या ग्लू अच्छे से लगी भी नहीं होगी या लैशेज आपकी स्किन पे टच नहीं हो रही होगी, तो वो अच्छे से बैठ जाएगी, फिक्स हो जाएगी। ठीक है, आइस खोलें, ये देखिए प्रॉपरली फिक्स हो गई। तो इनका ड्रेस ऑरेंज है, हम हल्का सा रस्ट कलर सॉकेट लाइन में दे रहे हैं। ये वाली जो नेल पेंट है ना जो आगे पड़ी हुई फर्स्ट नहीं वो वाली, ये वाली लगा दो इनको। इनर कॉर्नर पे हम लोग थोड़ा सा ऑरेंज शेड ऊपर देखें, इससे सबसे पहली बात तो ये है कि आपका जब शेड लगा देते हैं ना आप, तो आपकी जो फाइन लाइंस होती हैं वो अच्छे से हाइड हो जाती हैं, और सेकंड हमारी आईज ब्राइट लगती है, मेकअप कंप्लीट लगता है। आईज के ऊपर बहुत सारा काम किया हुआ होता है, बहुत सारी शेडिंग की हुई होती है, और आईज के नीचे कुछ भी ना दिया हुआ हो तो बहुत ही बुरा लुक आता है, आँखें बिल्कुल चाइनीज लग रही होती है, तो हमेशा आँख के नीचे भी काम किया करें। अच्छा, अब हम लेंगे छोटा सा ब्रश और इस पर लेंगे डार्क ब्राउन शेड जो कि हम देंगे आउटर कॉर्नर से अंदर की तरफ और थोड़ा सा ऊपर की तरफ। आइस खोलें, और ये जो हमारी आंख के नीचे का जो आउटर कॉर्नर है ऊपर दिखेगी, यहां से हमने थोड़ा सा बस यहां तक शेडिंग करनी है और इसको इसके साथ मिला देंगे, तो हमारी आइस का शेप बन जाता है। ब्लेंड करने के साथ साथ आप थोड़ा सा जो नीचे गिर जाता है शेड उसको हाथ के साथ साफ कर दें, वरना थोड़ी देर बाद वो ऐसा चिपकेगा कि आप जो है ना उसको बेस से ही ठीक कर पाएंगे। आइस के नीचे से आउटर कॉर्नर की तरफ आइस बंद करें, यहां से इनर कॉर्नर की तरफ। और ये मैं कंटूरिंग किट से डार्क वाला शेड ले रही हूँ, वो लगा रहे हैं। ओपन करें ऊपर देखिए, इसको अच्छे से इसके साथ मर्ज करेंगे। और अब हम देंगे ग्लिटर। अच्छा, ग्लिटर मैं इसमें यूज कर रही हूँ काशिश का, हल्का सा ब्रॉन्ज शेड है ये, मैं आपको स्वर्च करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये दे रही हूँ, इसके साथ थोड़ा सा और मिक्स करूंगी। तो हमने आईबॉल पे हल्का सा देने और फिर यहाँ से इनर कॉर्नर से डी शेप क्रिएट करनी है। बहुत नीट क्लीन प्रॉपरली, आईज खोलेंगे नहीं अभी क्योंकि ये लिक्विड ही है,
फौरन नहीं खोलते हैं, ड्राई होने के बाद खोलते हैं। फौरन खोलने से इसमें क्रीज आ जाएगी और फिर ब्रेकेज हो जाती है। लीटर हमारे फिक्स हो गए और अब इसके ऊपर मैं दूंगी ये काशिश का, ये मल्टी शेड है और इसका नंबर है 09। ठीक है, ओपन किया, हल्का सा हाथ पे निकाला, ये शेड है इसका। ये हमारा ब्रॉन्ज ग्लिटर रेडी हो गया। एक्स्ट्रा हमने डस्ट ऑफ कर लेना है ताकि वो हमारी लैशेस के ऊपर ना गिरे, वो बहुत बुरा लगता है, चमक रहा होता है अलग से। अब हम देंगे हाइलाइटर, आईब्रो बोन पे हाइलाइटर देंगे और इनर कॉर्नर पे, तो ये दे लेते हैं। हल्का सा इसकी जो क्रीज होती है उसको फिंगर से आप ब्लेंड कर सकते हैं ताकि वो सॉफ्टनेस आ जाए उसमें, और ना बहुत ज़्यादा शार्प लगता है। ये जस्ट इसके एज को आपने ब्लेंड कर दिया तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। और इसी को हम लोग करेंगे इनर कॉर्नर पे यूज। आईज ओपन कीजिएगा, ऊपर की तरफ थोड़ा सा ओपन करें। ठीक है, तो अब बारी है ग्लिटर और सॉरी लाइनर की। आई होप आप लोगों को सही समझ आ रहा होगा जो मैं समझा रही हूँ या बता रही हूँ, और इतना क्लियरली बता रही हूँ और दिखा रही हूँ आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप, तो होपफुली आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा। आइज ओपन करें, बंद करें। इसी तरह से दूसरी आईज पे भी। अच्छा, लाइनर लगाते हुए एक चीज का ख्याल रखिए कि जो हम लैशेज यूज करते हैं इसके ऊपर जो हम ग्लू लगाते हैं तो इसकी एक वाइट सी लाइन नजर आ रही होती है ग्लू की, तो आप जो है जब लाइनर लगाएं तो सबसे पहले लैशेज के ऊपर जो ग्लू की लाइन नजर आ रही होती है वाइट सी, उसको भी हाइड किया करें लाइनर से, उससे और ज्यादा फिनिशिंग और सफाई नजर आएगी आपके आई मेकअप में, साथ ही आई लाइनर प्रॉपर नजर आएगा। वरना पिक्चर्स में आईज के ऊपर व्हाइट व्हाइट ये ब्लू नजर आ रही होती है लैशेस के साथ तो बहुत ही बुरी लगती है।
इसी के साथ हमारा लाइनर कंप्लीट हो जाता है। आई मेकअप हमारा यहाँ पे हो गया डन। जब तक हमारा लाइनर ड्राई हो रहा है मैं मस्कारा नहीं लगाती हूँ तब तक, क्योंकि जैसे ही आईज ओपन करवाएंगे ऊपर लग जाएगा लाइनर और फिर वो बाद में दोबारा सेट करना पड़ता है। तो हम लोग ब्लश ऑन को रिफ्रेश कर लेंगे और हाइलाइटर लगा लेंगे। जब तक ये बेक्ड हाइलाइटर है वोंगर का, जो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, जो मैंने अपने ऊपर सेल्फ ग्रूमिंग का एक मेकअप बताया था आप लोगों को, उस वक्त बताया था मैंने डिटेल में। अगर आप लोगों को नहीं अभी समझ में आया तो आप मेरी वो वीडियो जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में बताया है इसके बारे में। नोज पे हम लोग करेंगे इस तरह से। इसका ग्लो बहुत आउट क्लास है, पर्सनली मुझे ये बहुत पसंद है। चिन पे देंगे, चीक्स पे, आई बोन पे देते हैं। ये जो हमारी चीक्स की बोन होती है आई बोन कह रही, चीक बोन पे और पीछे की तरफ यहाँ तक। लाइनर हमारा ड्राई हो गया, आईज ओपन कीजिएगा थोड़ी सी। अब हम लगा लेते हैं मस्कारा। आपको आज काजल चाहिए आईज में या व्हाइट पेंसिल? उस दिन हमने व्हाइट पेंसिल यूज की थी ना कल, अच्छी लगी तो आज हम काजल कर लेते हैं या फिर आज भी व्हाइट? वैसे व्हाइट आज भी बहुत प्यारी लगेगी जो लुक हमने दिया। व्हाइट करने जरा आप लगते हैं। ठीक है, ओरिजिनल लैशेस को और फेक लैशेस को अच्छी तरह आपस में मर्ज करना है मस्कारे से। ऊपर देखिएगा और ऊपर लोअर लैश पे भी अच्छी तरह मस्कारा कोट करेंगे। एहतियात के साथ यहाँ पे बाल बहुत बारीक होते हैं और नीचे लग जाता है। जब तक हमारी आईज का मस्कारा ड्राई हो रहा है हम लिपस्टिक कर लेते हैं, उसके बाद हम आईज में व्हाइट पेंसिल देंगे। तो इनको लिपस्टिक हम थोड़ी सी डार्क देंगे ऑरेंज के साथ, अच्छी लगे थोड़ा मर्जिंदा शेड देने की कोशिश करूंगी। आप दो शेड में यूज कर रही हूँ, एक पर्पलिश है और एक है हॉट पिंक, इन दोनों को मर्ज करेंगे हम।
ओपन करें। शीशे में देखिए,